पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पार्वती घाटी के पुलगा में कोई रेप पार्टी चल रही है, जिस पर जो है पुलिस ने वहाँ पे जाके जंगल में 4 जून और 5 जून की रात को वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे कोई लगभग 70-80 के करीब युवक युवतियाँ जो था पार्टी कर रहे थे और वहाँ पे डीजे भी चल रहा था। तो पुलिस ने जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उन सबकी तलाशी भी ली थी और उसमें जो है 2 लोगों के पास जो है नारकोटिक्स बरामद हुए हैं, जिनमें एक का नाम पार्नेव सर्व है जो कि मणिपुर का रहने वाला है, इससे 4.58 ग्राम चरस, और दूसरा है रघुवीर जो कि पुलगा गांव का ही रहने वाला है, इससे 0.47 ग्राम MDMA और 1.94 ग्राम कोकेन बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका जो जितना भी सिस्टम था उसको पुलिस ने सीज कर लिया है, उसमें 6 स्पीकर, 1 लैपटॉप, 3 एम्पलीफायर और 1 जनरेटर सेट है, उसको सबको इंपाउंड कर लिया, उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है। इससे पहले 31 मई को भी पुलिस ने जो है शलाल गांव में रेड किया था, वहाँ पे भी पार्टी थी, हालांकि वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम के लिए प्रशासन से परमिशन भी ली थी और पुलिस ने रेड करके वहाँ पे चेकिंग की, तो चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम भूपति राज जो कि आंध्रा प्रदेश का रहने वाला था, उससे भी 1.57 ग्राम कोकेन एंड 2.68 ग्राम चरस बरामद हुई थी, तो उसको भी उसके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस इन पे विशेष ध्यान रख रही है और इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।